आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। क्या आप कमजोर महसूस कर रहे हैं? क्या आप उदासीन हैं? शायद आपकी नौकरी चली गई, शायद आपके पास पैसे नहीं हैं, क्या आपके बच्चे भूखे हैं, या आप गम में डूबे हैं, या कोई प्रियजन चला गया है और आप दुखी हैं। मैं बस यही कहूंगा, यीशु पर ध्यान लगाएं, यीशु की ओर देखें। पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे रूत की किताब, रूत दूसरा अध्याय दूसरा वचन, बस एक ही आयत, यहाँ इस प्रकार लिखा है, मुआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। ये दोनों बहुत भूखे हैं। ये खेत में जाती है और यहाँ बोअज के मजदूरों ने खेत को साफ कर दिया है, कुछ नहीं बचा। वो वहाँ से अनाज इकट्ठा करना चाहती है ताकि अपने लिए भोजन तैयार कर सके और अपनी सास को खाना दे सके। यीशु ने हमें कुछ करने को नहीं कहा। विश्वासी होने के नाते हमें कुछ नहीं करना है, सब उसने कर दिया। उसने कहा, मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ ले लो, मेरा जुआ हल्का है। मत्ती 11:28-30 तक। अजीजो, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, कष्ट भोगने की जरूरत नहीं, बस पिता को पुकारने की जरूरत है। मैं ये बात दिल से कह रहा हूं। हो सकता है ये समय खराब हो, आपकी शादी में समस्याएं हो, दूसरे स्थान के लिए समझौता ना करें, परमेश्वर से मांगे कि वो आपके विवाह को ठीक करे। सुनिए, यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा, चोर आता है चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने को, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। आपको बहुतायत का जीवन चाहिए। आप जानते हैं रूत की किताब का अंत क्या है? वो अंत में उसी खेत की मालकिन बन जाती है, उसे सब मिल जाता है ना? आपके साथ यीशु ऐसा ही करेगा। यीशु को जीवन दे, आप अंदर से बाहर की ओर बदलते जाएंगे। मैं यहाँ शारीरिक बात नहीं कर रहा। हाँ, हमें वो चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, पर कुछ और अहम है, वो है मन की शांति। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, संसार जैसे नहीं अपनी शांति देता हूँ, इसलिए तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यूहन्ना 14:27। अगर मैं गलत नहीं, हमें सच में परमेश्वर की ओर आना होगा। आप कोई किसी तरह से पराए नहीं हैं, उसके बेटे हैं, बेटी हैं। यीशु ने कहा कि आप उसके मित्र हैं, आप उसका परिवार हैं। आप गौर करें कि आप मसीह में कौन हैं, तब ये पराए होने की मानसिकता खत्म हो जाएगी और आप जीवित परमेश्वर के बेटा और बेटी बनेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों को तुच्छ समझें, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें नम्र बने रहना होगा, पर यह जानना जरूरी है कि हम भिखारी नहीं हैं, है ना? प्रभु ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यर्मिया का 33:3। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसने हमारे लिए जगह तैयार की है। यूहन्ना 14 में ये लिखा है, स्वर्ग में जगह, जब वो लौटेगा तो मुझे और आपको वहां ले जाएगा हमेशा के लिए। तो आप निराश ना हो, आप और मैं मसीह में नई सृष्टि हैं, है ना? यीशु में अब हम गुनहगार नहीं हैं। आपने माफी मांगी है, वो आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सब अधर्म से उसने हमें शुद्ध किया है। 1 यूहन्ना 1:9। इसलिए आपको वचन पढ़ना चाहिए, तभी आप समझते हैं परमेश्वर आपको कैसे देखता है, और ऐसे ही आप सच में प्रभु में धनी होते हैं, आप प्रगति करते हैं प्रभु में। ये सब होता है अंदर से बाहर की ओर। वो हमें चंगा करने वाला, तृप्त करने वाला है, हमारा मित्र है, हमारा प्रभु उद्धार करता है। याद रखें, हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। Prabhu Ashish Te. Goodbye. We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.